नमस्कार, मैं निखिल कुमार, पंजाब केसरी .com आप देख रहे हैं और वक्त हो चला है दिन की सबसे बड़ी खबरों को बताने का। संसद के शीतकालीन सत्र का चौथा दिन है। लोकसभा में आज वायु प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन पर चर्चा हुई और इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा भी काफी जोर शोर से उठा। कांग्रेस ने यह कहा है कि बॉन्ड के जरिए भाजपा को फायदा हुआ है। इसी को लेकर कांग्रेस ने सरकार से जवाब भी मांगा है। इस मुद्दे को लेकर दोनों ही सदनों में विपक्ष ने काफी हंगामा भी किया है। बीते बुधवार को राज्यसभा में महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन के मसले पर रिपोर्ट पेश हुई। कांग्रेस की तरफ से गांधी परिवार की एसपीजी सुरक्षा हटाए जाने का मुद्दा भी काफी गर्म रहा और आज इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मुद्दा बहुत ही ज्यादा गर्माया। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मुद्दे पर कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा से वॉकआउट भी कर दिया। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने सदन में कहा कि सरकार ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड जारी किए हैं उससे सरकारी भ्रष्टाचार को अमली जामा पहना दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के न डोनर का पता है, न कितने पैसे दिए गए हैं ये पता है, जिसको दिया गया है उसकी भी कोई जानकारी नहीं है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कहा है कि जब इलेक्टोरल बॉन्ड पेश किए गए थे तो हम में से कई लोग इस पर गंभीर आपत्ति जता रहे थे कि कैसे आसानी से अमीर निगमों और व्यक्तियों के लिए अनुचित राजनीतिक दलों विशेष रूप से सत्तारूढ़ पार्टी को प्रभावित करने का एक तरीका बन सकता है। सार्वजनिक यानी कमर्शियल क्षेत्र के उपक्रमों, अंडरटेकिंग्स के विनिवेश तथा चुनावी बॉन्ड के मुद्दे पर आरबीआई की आपत्ति पर चर्चा करने की मांग कर रहे वाम और कांग्रेस सदस्यों के हंगामे के कारण राज्यसभा की बैठक शुरू होने से कुछ ही देर बाद दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। हंगामे की वजह से उच्च सदन यानी राज्यसभा में शून्यकाल भी नहीं हो पाया। सदन की बैठक शुरू होने पर सभापति एम वेंकैया नायडू ने आवश्यक दस्तावेज पटल पर रखे। पति ने कहा कि उन्होंने नोटिस को स्वीकार नहीं किया है। उन्होंने कहा कि नोटिस की वजह से कार्य स्थगन कर अन्य मुद्दों पर प्राथमिकता नहीं दी जा सकती है। कांग्रेस सदस्यों ने चुनावी बॉन्ड पर आरबीआई की आपत्ति तथा वाम दलों यानी लेफ्टिस्ट के सदस्यों से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश पर चर्चा करने के लिए नोटिस दिए थे। सभापति ने चर्चा की मांग कर रहे सदस्यों से शून्यकाल चलने देने की अपील की थी और कांग्रेस की विप्लव ठाकुर से उनका शून्यकाल के लिए सूचीबद्ध मुद्दा उठाने को कहा था। कांग्रेस की संसदीय रणनीति बैठक को लेकर सूत्रों का यह कहना है कि हम इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे को इतनी जल्दी खत्म नहीं होने देंगे। हम सरकार को जवाबदेह बनाएंगे। सरकार के खिलाफ रणनीति बनाने के लिए विपक्षी दलों तक पहुंचकर हम इस पर विस्तृत चर्चा चाहते हैं। शिवसेना के साथ महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार बनाने के लिए एनसीपी के बड़े नेताओं ने आज यानी गुरुवार को बैठक की। पार्टी के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। एनसीपी से मिल रही खबरों के मुताबिक मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल को पार्टियों के बीच आधे आधे समय यानी ढाई ढाई साल के लिए बांटा जाएगा और पार्टी इस पद पर ढाई साल तक रहेगी। कांग्रेस ने शिवसेना के साथ सरकार गठन के लिए आगे बढ़ने को लेकर सहमति प्रदान कर दी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद को लेकर अभी तक शिवसेना और एनसीपी में बात नहीं बन पाई है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा है कि इस दिशा में अभी कोई फैसला नहीं हुआ है। राउत ने यह भी कहा है कि मुख्यमंत्री पद को 30-30 महीना का करने पर कोई अंतिम निर्णय अभी तक फिलहाल नहीं लिया गया है। तो वहीं जब सरकार बनने को लेकर जब एनसीपी प्रमुख और सुप्रीमो शरद पवार से पूछा गया तो उन्होंने यह कहा कि अभी कुछ भी बताने लायक नहीं है। शिवसेना विधायक अब्दुल सतार ने इस पर विवादित बयान भी दिया है। पार्टी में फूट के सवाल पर अब्दुल सतार ने यह कहा है कि कोई भी अगर शिवसेना के विधायक को फोड़ने की कोशिश करेगा तो हम उनका सिर फोड़ देंगे, उसके साथ उसका पैर भी तोड़ देंगे, लेकिन दावे का इंतजाम भी शिवसेना करेगी, उनके लिए एम्बुलेंस भी तैयार रहेगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अहमद पटेल शरद पवार के घर पहुंचे थे। इससे पहले शिवसेना के साथ सरकार बनाने के लिए एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक हुई थी। सूत्रों ने बताया था कि मुख्यमंत्री पद के कार्यकाल को पार्टियों के बीच आधे आधे समय के लिए बांटा जाएगा। एनसीपी के नेता अजीत पवार, नवाब मलिक, एनसीपी अध्यक्ष जयंत पटेल, सुनील तटकरे और छगन भुजबल भी बैठक में मौजूद थे। कांग्रेस की सर्वोच्च नीति निर्धारिकारी रहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार गठन के लिए आगे बढ़ने को लेकर गुरुवार को आमतौर पर असहमति दर्ज कर दी है। शुक्रवार को इस तरह पर इस निर्णय पर अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना भी है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर हुई CWC की बैठक में महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर चर्चा भी हुई।
बैठक के बाद पार्टी के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि इस बैठक में कांग्रेस एनसीपी की बैठक के बारे में जानकारी दी गई है और शुक्रवार तक कोई फैसला होने की जल्द उम्मीद है। सूत्रों ने यह भी बताया है कि सीडब्ल्यूसी में शिवसेना के साथ सरकार गठन के लिए आगे बढ़ने को लेकर आम सहमति बन गई है। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया है कि कांग्रेस कार्य समिति ने आज चर्चा की है और यह निर्णय लिया है कि आगे क्या कदम उठाने की जरूरत है। हम अब बैठक के लिए लिए गए निर्णय के अनुसार ही कदम उठाएंगे। तो वहीं कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने भी इस पर एक बड़ा बयान दिया है। संजय निरुपम ने कहा है कि महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व वाली जिस सरकार की योजना बन रही है, अगर उनकी पार्टी उसमें शामिल होती है तो यह उसकी गलती होगी, क्योंकि यह राज्य में सबसे पुरानी पार्टी के अस्तित्व को दफन करने का समान होगा। पूर्व सांसद ने कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी को आगाह किया है कि वह इस संबंध में दबाव में नहीं आए। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह झारखंड की पहली चुनावी रैली में राम मंदिर का मुद्दा जोर शोर से उठाने लगे। बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि हर कोई चाहता है कि अयोध्या में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बने, मगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती है। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने ऐतिहासिक फैसला करके सर्वानुमत से यह निर्णय किया है, ऐसे में अयोध्या में आसमान छूती राम मंदिर का निर्माण किया जाना चाहिए। अमित शाह झारखंड के लातेहार में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कांग्रेस पर जमकर हमला बोलते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा है कि अयोध्या में जहां श्री राम का जन्म हुआ था, वहीं पर अब भव्य राम मंदिर का निर्माण होगा। अमित शाह ने कहा कि इतने सालों से यह फैसला नहीं हो रहा था, अब हम चाहते थे कि संवैधानिक रूप से इस विवाद का रास्ता निकले, और देखिए श्री राम की कृपा सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर भी हो गई और सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि उनके निर्णय से उस स्थान पर भव्य राम मंदिर बनने का भी रास्ता खुल गया है। अमित शाह ने कहा है कि देश का हर व्यक्ति चाहता है कि अयोध्या में राम मंदिर बने, लेकिन कांग्रेस लगातार रोड़ा अटकाती रही है। अब अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है कि श्री राम जन्मभूमि स्थान पर आसमान को छूने वाला मंदिर निर्माण हो। अमित शाह ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा है कि वोट के लालच में कांग्रेस ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 का समाधान नहीं निकाला। नरेंद्र मोदी सरकार ने भारत माता के मुकुट पर लगे इस कलंक को हटाकर इस समस्या का समाधान कर दिया है। उन्होंने कहा है कि मनमोहन जी की सरकार ने झारखंड को केवल 55,000 करोड़ रुपए दिए थे, जबकि नरेंद्र मोदी सरकार ने झारखंड के विकास के लिए इससे 6 गुना अधिक धन यानी 3,08,487 करोड़ रुपए दिए हैं। शाह ने कहा कि भगवान बिरसा मुंडा के सपनों को पूरा करने के लिए मोदी सरकार दिन रात काम कर रही है। झारखंड की रघुवर दास सरकार ने सबसे बड़ा काम जो किया है वह है नक्सलवाद को खत्म करने की दिशा में। रघुवर सरकार ने 5 साल के अंदर झारखंड में नक्सलवाद यानी नक्सलिज्म को खत्म करने का काम किया है। इसी का यह परिणाम है कि प्रदेश में हर गाँव में बिजली, रोड, चूल्हा आदि पहुंच चुके हैं। यह इसलिए संभव हो पाया है कि झारखंड में डबल इंजन की सरकार है। शाह ने कहा है कि आदिवासी भाइयों बहनों के लिए मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। 5 साल के अंदर आदिवासियों गौरव बढ़ाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड की हमने रचना की है। इस फंड में 32,000 करोड़ रुपए आदिवासी भाइयों बहनों के लिए भी विकास के लिए दिए गए हैं। राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास की तारीफ करते हुए अमित शाह ने कहा है कि 5 साल बाद मैं यहां आया हूं। हमारे रघुवर दास ने 5 साल में राज्य को आगे बढ़ाने का काम किया है। हमारे मोदी ने दिल्ली में बैठकर हर पल राजस्थान यानी झारखंड के विकास की चिंता की है। उन्होंने कहा है कि मैं कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप 70 साल सत्ता में रहे, गरीबों के घर में बिजली, रसोई में गैस क्यों नहीं पहुंची? भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो हर घर में बिजली और माँ बहनों के पास रसोई गैस पहुंची। सुप्रीम कोर्ट में धारा 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में लगाए गए प्रतिबंधों को लेकर आज सुनवाई हुई। प्रशासन की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि लोगों की सुरक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है, किसी भी शख्स के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, लेकिन संप्रभुता और अखंडता को खतरा भी नहीं झेला जा सकता। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इंटरनेट सेवा व अन्य प्रतिबंधों को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई थी। 3 सदस्यीय पीठ ने सॉलिसिटर जनरल से कहा है कि आपको याचिकाकर्ताओं और हर सवाल का जवाब देना होगा। आपके जवाबों से हम असंतुष्ट हैं और आपके जवाबों से हम किसी नतीजे पर पहुंचने में सफल नहीं हुए हैं। जस्टिस एनवी रमन के नेतृत्व वाली एक 3 सदस्यीय पीठ ने तुषार मेहता से कहा है कि जम्मू कश्मीर में प्रतिबंधों को चुनौती देने वाली याचिकाओं में विस्तृत जानकारी दी गई है और उन सवालों का आपको जवाब देना होगा।
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि प्रतिबंधों पर याचिकाकर्ताओं ने ज्यादातर बात गलत कही है, जिसका वह बहस के दौरान जवाब देंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि उनके पास मामले की स्थिति की रिपोर्ट है, लेकिन अभी वह रिपोर्ट अदालत में दाखिल नहीं करना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर में हर दिन स्थिति बदल रही है, इसलिए रिपोर्ट दाखिल करते समय उन्हें वास्तविक ब्यौरा देना होगा, और मैं ये देना भी चाहता हूँ। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आगे ये भी कहा है कि हमने जम्मू कश्मीर के स्कूल फिर से खोल दिए हैं, तो वही 917 स्कूल अनुच्छेद 370 रद्द होने के बाद कभी भी बंद नहीं किए गए। मामले की सुनवाई की शुरुआत में बेंच ने यह साफ कर दिया था कि जम्मू कश्मीर के मामले में अदालत सिर्फ अनुराधा भसीन और गुलाम नबी आजाद द्वारा दायर याचिका पर ही सुनवाई कर रही थी, जो आवाजाही की स्वतंत्रता और प्रेस आदि से जुड़ी है। हम यहाँ किसी हिरासती मामले की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय यानी BHU के संस्कृत विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर फिरोज खान की नियुक्ति पर घमासान मचा हुआ है। विश्वविद्यालय के छात्र फिरोज की नियुक्ति के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। इस बीच BHU के चांसलर जस्टिस गिरधर मालवीय ने कहा है कि छात्रों का कदम गलत है। महामना की सोच व्यापक थी, यदि वे जीवित होते तो निश्चित रूप से नियुक्ति का समर्थन करते। तो BHU फिरोज खान की नियुक्ति के फैसला वापस नहीं लेगा। चीफ प्रॉक्टर OP राय ने कहा है कि विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया गया है, फैसला वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। छात्रों ने जो किया है वो करने का उनका अधिकार है, जो छात्रों ने विरोध किया है। फिरोज खान की नियुक्ति पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के संस्कृत विभाग के चेयरमैन ने भी यही कहा है कि कहीं ना कहीं नियुक्ति के समय BHU चयन समिति से एक चूक हुई है। इसमें कोई शक नहीं है कि फिरोज खान की नियुक्ति साफ ढंग से की गई है। उन्होंने कहा है कि हिंदू धर्म में शिक्षक को ही धर्म कांड पढ़ाना चाहिए। दरअसल बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में दो विभाग हैं, जिनमें एक संस्कृत भाषा हिंदी विभाग के अंतर्गत आता है और दूसरा संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग अलग से बना हुआ है। इन दोनों में अलग अलग तरीके से पढ़ाई होती है। संस्कृत विभाग में संस्कृत भाषा को संस्कृत की तरह पढ़ाया जाता है, तो वहीं संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान विभाग में सनातन धर्म के रीति रिवाजों, मंत्रों, श्लोकों, पूजा पाठ के तौर तरीकों और पूजा पाठ के बारे में बताया जाता है। छात्रों का कहना है कि कोई मुस्लिम व्यक्ति कैसे हिंदू धर्म का पूजा पाठ के बारे में बता सकता है और पढ़ा सकता है। छात्रों का विरोध इसी बात पर है। उनका कहना है कि संस्कृत को भाषा के तौर पर किसी भी जाति धर्म के टीचर द्वारा पढ़ाए जाने पर उन्हें कोई एतराज नहीं है। अपनी बात के आधार पर BHU के छात्र कुलपति के आवास यानी वाइस चांसलर के आवास के सामने भी धरना दे रहे थे। उनका यह कहना था कि जब तक प्रोफेसर फिरोज खान को दूसरे विभाग में ट्रांसफर नहीं किया जाता तब तक उनका विरोध जारी रहेगा। पाकिस्तान में दो भारतीय नागरिकों को अवैध घुसपैठ के आरोप में कुछ दिन पहले ही गिरफ्तार किया है। उनकी गिरफ्तारी पर आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये कहा कि हमें पता चला है कि दो भारतीय नागरिक थे जो अनजाने में 2016-17 में पाकिस्तान की सीमा में चले गए थे। उस वक्त हमने पाकिस्तान के अधिकारियों को यह सूचित कर दिया था। इसके बाद से हमें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अचानक उसकी गिरफ्तारी हो जाती है और घोषणा हमारे लिए आश्चर्य का विषय है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि इन दोनों भारतीय नागरिकों प्रशांत और बारीलाल का उपयोग पाकिस्तान अपने दुष्प्रचार के लिए नहीं करेगा और उनके ये शिकार नहीं होंगे। इसके लिए हमने पाकिस्तानी सरकार से संपर्क भी साधा है और उन्हें तत्काल राजनयिक पहुंच देने के लिए भी अनुरोध किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान रवीश कुमार ने बताया है कि बांग्लादेश के PM शेख हसीना शुक्रवार को PM मोदी के अनुरोध पर कोलकाता का दौरा करने आ रही हैं। उन्होंने कहा है कि उनके दौरे का सबसे उपयुक्त समय है। कल भारत में पहली बार डे नाइट टेस्ट मैच का शुभारंभ होने जा रहा है, जिसका उद्घाटन भारत के किसी अच्छे दोस्त द्वारा किया जाए। यही कारण है कि वे कोलकाता के दौरे पर आ रही हैं। रवीश कुमार ने करतारपुर जाने वाले श्रद्धालु को पासपोर्ट प्राप्त कराने में आ रही परेशानी पर भी सीधे तौर पर अपना पक्ष रखा है और जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें पता चला है कि लोगों को पासपोर्ट प्राप्त करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। हमारे पास फिलहाल 3 पासपोर्ट कार्यालय और 5 पासपोर्ट सेवा केंद्र और 6 पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सेवा केंद्र पंजाब में है। डेरा बाबा नामक स्थान में हम एक और पासपोर्ट कार्यालय और पासपोर्ट सेवा केंद्र खोल रहे हैं। इसके साथ ही हमने अलग से 6 पासपोर्ट शिविर लगाएंगे। आपको बता दें कि पाकिस्तान में दो भारतीय नागरिकों को अवैध घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। इनकी पहचान मध्य प्रदेश के प्रशांत और तेलंगाना के डारीलाल के रूप में हुई थी।
स्थानीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये दोनों पाकिस्तान में अवैध तरीके से घुसने की कोशिश कर रहे थे। दोनों को पंजाब प्रांत के पूर्वी शहर बहावलपुर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का यह कहना है कि इनके पास पर्याप्त दस्तावेज नहीं थे और इनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। इसके पहले अगस्त में पाकिस्तानी पुलिस ने पंजाब प्रांत के डेरा गाजी खान शहर में राजू लक्ष्मण नाम के एक शख्स को जासूसी के शक में गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उसे खुफिया एजेंसियों को सौंप दिया गया था। आरोपों के मुताबिक उसने बलूचिस्तान प्रांत से प्रदेश में प्रवेश किया था। मालेगांव विस्फोट मामले में आरोपी और भोपाल से भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को रक्षा मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति में नामित किया गया है, जिसको लेकर एक नया विवाद पैदा हो गया है। सरकार द्वारा 21 अक्टूबर को जारी की गई अधिसूचना के अनुसार 21 सदस्यीय संसदीय सलाहकार समिति का नेतृत्व रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कर रहे हैं। मालेगांव धमाकों में आरोपी होने के कारण साध्वी को इस समिति में शामिल करने पर राजनीतिक माहौल गर्म होने की संभावना है। आपको बता दें कि साध्वी प्रज्ञा ने लोकसभा चुनाव में भोपाल संसदीय क्षेत्र से कांग्रेस के दिग्गज नेता और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह को हराया था। कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया था कि भाजपा सरकार ने राष्ट्रवाद को एक नया ही मॉडल दे दिया है। बम ब्लास्ट मामले में ट्रायल पर चल रही नेता को डिफेंस मामलों की कमेटी में शामिल किया गया है। चिंता की कोई बात नहीं है, भारत माता की जय। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर कहा है कि यह देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि आतंक फैलाने वाले आरोप झेल रही सांसद को रक्षा संबंधी समिति का सदस्य बना लिया गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कटाक्ष करते हुए कहा है कि मोदी जी ने मन से माफ नहीं कर पाए, लेकिन देश की सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिम्मेदारी दे दी, इसलिए तो मोदी है तो मुमकिन है। भाजपा ने कांग्रेस की आपत्ति और इसे सुरक्षा बलों का अपमान बताए जाने को नासमझी का सबसे बड़ा प्रमाण करार दिया। भाजपा प्रवक्ता और राज्यसभा सदस्य राकेश सिन्हा ने कहा है कि कांग्रेस और राहुल गांधी की नासमझी पर यह सबसे बड़ा प्रमाण है। प्रज्ञा ठाकुर भोपाल से चुनाव जीत कर आई है, वह सांसद है। सांसद होने के नाते समितियों में सदस्य चुना जाना उनका अधिकार है। नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का आरोपी बनाए जाने का हवाला देते हुए राकेश सिन्हा ने कहा है कि सांसद होने के नाते प्रज्ञा ठाकुर के वही अधिकार हैं जो सोनिया और राहुल गांधी के हैं। प्रज्ञा ठाकुर और सोनिया गांधी में अगर अंतर करेंगे तो मैं यही कह सकता हूं कि सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत पर है। अब क्या वे सभी संसदीय समितियों से इस्तीफा देंगे? देश की सबसे बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए पंजाब केसरी.com के साथ।